गाइस ये जो सर्वर है उसमें आपको आर्टिक ब्लू का जो बंडल है वो आपको स्टोर वाले सेक्शन में ही मिलेगा। सो हेलो भाई लोग, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा सर्वर जिस सर्वर के बारे में आपने कभी सोची नहीं होगी। तो गाइस आपने इंडिया सर्वर के अलावा और भी बहुत सारे सर्वर देखे हैं, बट गाइस मैं आपको इस वीडियो में साउथ अफ्रीका सर्वर दिखाने वाला हूं। और गाइस बात करें साउथ अफ्रीका सर्वर की, तो साउथ अफ्रीका सर्वर एक ओपी सर्वर है जिसको देखने के बाद आप भी यही बोलोगे मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाले, वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। और चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन कॉल पे प्रेस भी कर देना ताकि हम लोग आपके लिए जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और गाइस वीडियो पे जब आई गए तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलो बढ़ते वीडियो की ओर। तो आ चुके हम लोग साउथ अफ्रीका सर्वर के आईडी में और अभी हम लोग यहाँ का देखते हैं पहले लॉक रॉयल, फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का स्टोर वाला सेक्शन। तो पहले लॉक रॉयल देख लेते हैं गाइस। तो फर्स्ट में आपको है कि हैकर स्टोर देखने को मिलेगा। तो हैकर स्टोर की बात करें तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हैकर स्टोर पे एक इमोट आया हुआ है जो कि बिल्कुल ही न्यू है। तो गाइस ये जो इमोट है वो इंडिया सर्वर में अभी तक नहीं आया, तो इंडिया सर्वर में भी आपको बहुत जल्दी ये इमोट देखने को मिल जाएगा। बट ये बात करें साउथ अफ्रीका सर्वर में, इसको हैकर स्टोर में लाया गया गाइस। तो यहाँ पे आपको और एक हैकर स्टोर देखने को मिलेगा। तो इस हैकर स्टोर में आपको एक फीमेल का बंडल देखने को मिलेगा और सारे के सारे जो बंडल है वो फीमेल के ही है गाइस। तो साउथ अफ्रीका सर्वर में फीमेल का बंडल हैकर स्टोर में आता है। तो बात करें अगर इंडिया सर्वर की, तो इंडिया सर्वर में अगर कोई भी इवेंट या हैकर स्टोर में फीमेल का बंडल आता है तो कोई भी परचेस नहीं करता है उसको। बट गाइस साउथ अफ्रीका सर्वर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउथ अफ्रीका सर्वर में फीमेल के जो बंडल काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका सर्वर में फीमेल के जो बंडल है वो काफी ज्यादा लोग परचेस करते हैं गाइस। तो अभी बात करते हैं यहाँ के डायमंड रॉयल की। तो गाइस देख सकते हो इंडिया सर्वर में भी आपको यही बंडल डायमंड रॉयल में देखने को मिलेगा जो कि आपको साउथ अफ्रीका सर्वर में देखने को मिल रहा है। तो अभी व्यू प्राइस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि साउथ अफ्रीका सर्वर में आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है डायमंड रॉयल से। तो मैजिक क्यूब तो मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे बंडल देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो ये सब बंडल आपको मिल जाएंगे साउथ अफ्रीका सर्वर के डायमंड रॉयल पे। तो गाइस देख सकते हो मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट भी दिया जाता है यहाँ पे जो कि हर सर्वर में आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ कैरेक्टर के फ्रेगमेंट भी मिलते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ का गोल्ड रॉयल दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस सेम बंडल आपको देखने को मिलेगा गोल्ड रॉयल में। तो व्यू प्राइस पे करते क्लिक और देखते गाइस कि यहाँ पे आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर मिलेंगे गोल्ड रॉयल से ही जो कि आपको इंडियन सर्वर में नहीं मिलता है। तो उसके अलावा सेम टू सेम आपको इंडियन सर्वर जैसा ही आइटम मिलते हैं गोल्ड रॉयल से। तो गाइस बिना वक्त गवाए चलते हैं हम लोग वेपन रॉयल पे। तो M82B का भी स्किन चल रहा है वेपन रॉयल में जो कि इंडियन सर्वर में यही वेपन रॉयल आपको देखने को मिलेगा। तो व्यू प्राइस पे जल्दी से जल्दी करते क्लिक और देखते गाइस कि यहाँ पे आपको कौन कौन से रिवॉर्ड मिलते हैं। तो व्यू प्राइस पे जैसे ही करते क्लिक तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे गन स्किन देखने को मिल जाएंगे जो कि लेजेंडरी बिल्कुल भी है नहीं और इंडियन सर्वर जैसा ही वेपन रॉयल में भी आपको गन स्किन मिलते हैं। तो भैया सेम टू सेम इंडियन सर्वर जैसा ही अभी तक तो दिखाई मिल रहा है लॉक रॉयल जो है। और गाइस अभी आगे जाके देखते हैं कि इंडियन सर्वर जैसा ही सेम टू सेम है या फिर कुछ यहाँ पे अलग है। तो बात करें यहाँ की इनक्यूबेटर की, तो गाइस देख सकते हो इनक्यूबेटर यहाँ पे क्या है कि इनक्यूबेटर में आपको दो स्टोन और दो ब्लूप्रिंट देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन सर्वर जैसा बिल्कुल भी है नहीं। इंडिया सर्वर में क्या होता है कि आपको एक स्टोन और एक ही ब्लूप्रिंट मिलता है, बट गाइस साउथ अफ्रीका सर्वर में आपको दो स्टोन और दो ब्लूप्रिंट मिलता है गाइस। तो अभी आपने इनक्यूबेटर देख लिया, तो अभी मैं आपको एक फेडेड व्हील दिखाता हूँ। तो फेडेड व्हील में आपको एक थॉम्सन गन की स्किन देखने को मिलेगी। तो गाइज एकदम बिल्कुल ही लेजेंडरी गन स्किन है। और गाइज दो आइटम को रिमूव करते हैं, क्या पता यहाँ पे हमको फ्री के आइटम मिले। तो दो आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट किया और कंफर्म कर देते गाइज। तो जैसे ही कंफर्म करते तो यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका जो सर्वर है वहाँ पे आपको फ्री के जो स्पिन है वो नहीं मिलते हैं गाइज। तो नेक्स्ट फेडेड व्हील में आपको ड्राको एके देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे रिटर्न में आया हुआ है गाइज। तो देख ही सकते हो क्या ही खतरनाक दिख रहा है ये जो एके है। और गाइज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये एके कितना ज्यादा रियर है गाइज। तो अभी के लिए लॉक रॉयल को करते हैं खत्म और बढ़ते हैं हम लोग स्टोर वाले सेक्शन की ओर। तो गाइज उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इवेंट दिखाना चाहूंगा। तो गाइज देख सकते हो साउथ अफ्रीका सर्वर में आपको ब्लू प्रिंट का टॉप इवेंट देखने को मिलेगा जो कि आप देख ही सकते हो गाइज। और ऐसा टॉप इवेंट इंडिया सर्वर में अभी बिल्कुल भी नहीं आता है। और गाइज बात करें यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 300 डायमंड का टॉप अप करना है, उसी के साथ साथ आपको मिल जाएंगे दो ब्लू प्रिंट और एक स्टोन। तो गाइज अभी मैं आपको साउथ अफ्रीका सर्वर का
स्टोर वाला सेक्शन दिखाता हूँ। तो बंडल वाले सेक्शन में करते हैं क्लिक, और ये सब जो बंडल है वो यहाँ पे इवेंट में आया हुआ है। तो गाइस देख सकते हो, मैंने वहाँ पे आगे ही बोला था कि जो साउथ अफ्रीका सर्वर है वहाँ पे आपको बहुत सारे फीमेल के बंडल ही देखने को मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हो गाइस। और साउथ अफ्रीका सर्वर के स्टोर वाले सेक्शन में आपको मेल से ज्यादा फीमेल के बंडल देखने को मिलेंगे। तो गाइस बंडल देख सकते हो, ये सब बंडल आपको स्टोर वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका सर्वर में। तो यहाँ पे आपको रॉक स्टार बंडल मिलेगा 1200 डायमंड में, और ये वाला बंडल भी 1200 डायमंड में मिलेगा गाइस। और ये सब फीमेल के बंडल आप देख सकते हो, तो ये सब बंडल आपको सारे के सारे मिल जाएंगे स्टोर वाले सेक्शन में ही साउथ अफ्रीका सर्वर में। तो अभी बात करते हैं यहाँ के कैरेक्टर वाले सेक्शन की। तो गाइस सारे के सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे साउथ अफ्रीका सर्वर में। बट गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका सर्वर में ऐसा है कि आपको जो कैरेक्टर मिलते हैं वो सारे के सारे आपको डायमंड से ही परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इंडिया सर्वर में क्या होता है कि आप कुछ कैरेक्टर गोल्ड से परचेस कर सकते हो और कुछ कैरेक्टर डायमंड से परचेस कर सकते हो। बट गाइस साउथ अफ्रीका सर्वर में ऐसा है कि सारे के सारे कैरेक्टर आपको डायमंड से ही परचेस करने पड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको ये जो रूमाल है वो आपको स्टोर वाले सेक्शन में ही देखने को मिलेगा, और इंडिया सर्वर में ये सब जो रूमाल है वो इवेंट वगैरह में आता है और बहुत सारे डायमंड हमको लगाने पड़ते हैं। तो गाइस बात करें साउथ अफ्रीका सर्वर के स्टोर वाले सेक्शन में आपको उतने सारे बंडल देखने को नहीं मिलेगा, बट ये जो टी शर्ट है वो आपको स्टोर वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा और बहुत ही ओपी दिखता है ये टी शर्ट गाइस। तो गाइस साउथ अफ्रीका सर्वर में इंडिया सर्वर से कम ही आपको बंडल देखने को मिलेगा स्टोर वाले सेक्शन में। तो अभी मैं आपको यहाँ का इमोट वाला सेक्शन दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो इमोट है वो साउथ अफ्रीका सर्वर में इवेंट में आया हुआ है, एकदम न्यू इमोट है गाइस, और इंडिया सर्वर में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो गाइस उतने तो अच्छे अच्छे इमोट यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो ये इमोट आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका सर्वर के स्टोर वाले सेक्शन में। और गाइस सेम टू सेम इंडिया सर्वर जैसा ही लग रहा है, बट गाइस प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है यहाँ पे, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे आपको रोज इमोट मिलेगा 1000 डायमंड में, और ये सब तो नॉर्मल से इमोट है गाइस, तो यहाँ पे प्राइस थोड़े हाई है यहाँ पे, मुझे इतना लग रहा है। तो गाइस अभी बात करते हैं साउथ अफ्रीका सर्वर के आर्मरी सेक्शन की। तो गाइस साउथ अफ्रीका सर्वर का एक चीज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे जितने भी आइटम है उसको अलग अलग सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेजेंडरी बॉक्स का अलग सेक्शन है, अगर आप लेजेंडरी बॉक्स पे क्लिक कर दो तो आर्मरी सेक्शन में जितने भी लेजेंडरी गन है वो आपको सारे के सारे शो होंगे। यहाँ पे थीम बॉक्स, जैसे आप क्लिक करोगे तो जितने भी थीम बॉक्स के आइटम है क्रिएट है सॉरी, तो वो सब आपको शो होंगे। यहाँ पे मिली पे जैसे क्लिक करोगे तो मिली के जितने भी आइटम है वो आपको शो करेंगे। यहाँ पे ग्लू वॉल अगर आप क्लिक करोगे तो आर्मरी सेक्शन में आपको कितने ग्लू वॉल है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब जितने भी आइटम है उसका अलग अलग सेक्शन है, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ के क्रिएट वाले सेक्शन की। तो साउथ अफ्रीका सर्वर के क्रिएट वाले सेक्शन में आपको नॉर्मल से आइटम मिलेंगे, बट गाइस ये जो क्रिएट है उसके अंदर आपको लैम्बोर्गिनी का जो इमोट है वो आपको मिल सकता है। तो इस क्रिएट को परचेस करके ये इमोट आप ले सकते हो गाइस। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम देखने को मिलेंगे, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ का मैजिक क्यूब स्टोर दिखाता हूँ। तो गाइस साउथ अफ्रीका सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आपको बहुत सारे बंडल देखने को मिलेंगे, जो कि आप नाइट क्लाउन का बंडल आप देख सकते हो गाइस, और बायफॉर्क भी बंडल आपको मिलेगा मैजिक क्यूब स्टोर में। उसके अलावा गाइस मुझे यहाँ पे आर्टिक ब्लू बंडल दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई नहीं, आपको मिलेगा आर्टिक ब्लू बंडल मैजिक क्यूब स्टोर में साउथ अफ्रीका सर्वर के। उसके अलावा और भी बहुत सारे बंडल आपको मिलेंगे मैजिक क्यूब स्टोर में। तो गाइस बैंडित बंडल आप देख ही सकते हो, और भी बहुत सारे बंडल आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में। तो गाइस साउथ अफ्रीका सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आपको बहुत सारे बंडल देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना, और चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे प्रेस भी कर देना। और गाइज वीडियो पे जब आई गए तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।